बस कुछ ही घंटों का इंतजार है एंड उसके बाद हम सभी को देखने को मिलेगा आईपीएल 2025 का रिटेंशन एंड हम सभी को पता चलेगा कि कौन कौन सी टीम ने किस किस खिलाड़ी को रिटेन किया है आईपीएल 2025 के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में एंड आरसीबी की टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, आरसीबी के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी सामने निकल कर आ रही है। इस वीडियो में गाइस बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया और अगर आप लोग रिटेंशन लाइव देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। विराट कोहली फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के कैप्टन बनेंगे आईपीएल 2025 पे एंड गाइस यहां पे ए रिपोर्ट निकल कर आ रही है ESPN क्रिकेट इन्फो की तरफ से, जहां पे बताया गया है कि आरसीबी की टीम के जो मैनेजमेंट है एंड वो चाहते हैं कि विराट कोहली आईपीएल 2025 में फिर से कप्तानी अपने हाथ में ले और आरसीबी की टीम के तरफ से फिर से विराट कोहली कप्तानी करे आईपीएल 2025 में, आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ये चाहती है। गाइस इस बारे में थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। दरअसल गाइस यहां पे आरसीबी की टीम के तरफ से ये अपडेट सामने निकल कर आई है और ESPN क्रिकेट इन्फो ने इसके बारे में अपडेट भी किया कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ये सच में चाहती है कि विराट कोहली आईपीएल 2025 में कैप्टेंसी करे। लेकिन क्या विराट कोहली अपने हाथ में कैप्टेंसी लेंगे या नहीं लेंगे, इसके ऊपर अभी भी डाउट है एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग विराट कोहली से बातचीत करेंगे एंड उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो हम सभी को आगे देखने को मिल जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट सिर्फ आरसीबी की टीम मैनेजमेंट चाहती है कि विराट कोहली कैप्टेंसी करे। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, आरसीबी की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को प्रॉपर तरीके से रिलीज करने वाली है, RTM कार्ड का भी यूज नहीं करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में, सबसे पहले खिलाड़ी निकल कर आ रहे ग्लेन मैक्सवेल एंड मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर RTM कार्ड का भी यूज नहीं करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, बिकॉज जिस तरीके से उनका लास्ट डाउनफॉल रहा है एंड वो ऑक्शन में ही अगर बीट में आ जाते हैं आरसीबी की टीम में तो बहुत अच्छी बात है और अगर थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन रहता है तो शायद RTM कार्ड का यूज किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि RTM कार्ड का यूज करने की जरूरत ना पड़े, बिड में ही शायद यहां पे आरसीबी की टीम मैक्सवेल को अपने टीम में इंक्लूड कर सकती है अगर वो चाहे तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, नेक्स्ट जो प्लेयर निकल कर आ रहे उनका नाम है फैब डू प्लेसिस एंड रिटेंशन की लिस्ट की बात करें तो रिपोर्ट ऐसे निकल कर आ रही है कि आरसीबी की टीम फैब डू प्लेसिस को भी रिटेन नहीं कर रही है आईपीएल 2025 के लिए एंड ये साफ है कि आरसीबी की टीम अब पूरी तरह से फ्यूचर देख रही है एंड नया कप्तान यहाँ पे आरसीबी की टीम ढूंढ रही है। तो आरसीबी की टीम फैब डू प्लेसिस को भी यहाँ पे रिलीज करने वाली है और शायद इनके ऊपर भी RTM कार्ड का यूज नहीं करने वाली है आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 के लिए। सो गाइस इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड विराट कोहली की कैप्टेंसी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।